वर्ल्ड कप 1992 की आलमी चैंपियन टीम पाकिस्तान में पर्ची खिलाड़ी कौन था? साबिक कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने नाम बताकर हलचल मचा दी। आपको बताते चलें कि मौजूदा क्रिकेट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन वनडे ओपनर बैट्समैन इमाम उल हक को बेहतरीन बैटिंग के बावजूद पर्ची खिलाड़ी के नाम से तनकीद की जाती है, लेकिन राशिद लतीफ का इस हवाले से कहना है कि 1992 वर्ल्ड कप में भी हमारी टीम में पर्ची खिलाड़ी था और फिर उसने ऐसा क्या किया कि वो वर्ल्ड स्टार बन गया। इस हवाले से मुकम्मल अपडेट्स के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर लें और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि क्रिकेट की हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। तो फ्रेंड्स आपको बताते चलें कि राशिद लतीफ ने अपने क्रिकेट शो कैच बिहाइंड में वर्ल्ड कप 1992 के लम्हात को याद करते हुए कहा कि उस वक़्त हमारी टीम में भी पर्ची खिलाड़ी था जिसे सब अच्छा खिलाड़ी नहीं समझते, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल में उस खिलाड़ी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि आज ना सिर्फ वो वर्ल्ड स्टार है बल्कि 1992 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की जीत में उसका सबसे बड़ा हाथ था। राशिद लतीफ का कहना था कि उस वक़्त पर्ची समझे जाने वाले खिलाड़ी का नाम इंजमाम उल हक था जो कि आज पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ा बेहतरीन मिडल ऑर्डर बल्लेबाज समझा जाता है।